हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अभी हो गया है दोपहर के 12:30। तो सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सबको। और फ्रेंड, सुबह मैंने आप लोगों को सामने से मिलकर वेलकम नहीं कर पाई थी, और तो अभी मैं कर रही हूँ फ्रेंड। और एक फेरी वाला भैया आ गए थे तो वहाँ भी थोड़ा ना आधा घंटा वेस्ट हो गया फ्रेंड, तो इसलिए थोड़ा ना भैया से कुछ लिया भी है मैंने। कभी कभी फेरी वाले भैया के पास भी कभी कभी अच्छा चीज मिल जाता है फेरी वालों के पास भी, तो लिया है मैंने। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, शेयर करूंगी, आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड। तो फ्रेंड देखिए, यही है फेरी वाले भैया, और ये लगभग मॉर्निंग 10:30 बजे का क्लिप है। और यहाँ देखिए ना, सभी के हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी पर। फिर लेडीज़ का क्या है, अपना मन होता है। वैसे फेरी वाला को देखकर ना सभी के हस्बैंड गुस्सा करते हैं कि इन लोगों से कपड़े मत लिया करो या कुछ भी मत लिया करो, अच्छा नहीं होता है। लेकिन हम लेडीज़ कहाँ भला मानने वाले। और फ्रेंड कभी कभी है ना, फेरी वालों के पास भी बहुत अच्छा कपड़ा मिल जाता है। जैसा कि आज है ना, इन फेरी वाले भैया के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, और खरीद बहुत कुछ रखा था इन्होंने। प्लाजो कुर्ती और पिलो कवर था, टी शर्ट वगैरह भी था। तो खैर वो सब तो हम लोगों का कोई काम नहीं था। हम लोगों ने कुर्ती और पिलो कवर देखा और वही ख़रीदा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, और ये जो ना फेरी वाले भैया ने, ये अपना बंगला मतलब बोल रहे थे, हिंदी थोड़ा कम समझ रहे थे, ये बंगाल से आए थे। तो फिर ना ये यहाँ पर मैं ही ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ही बंगला आता है और मैं ही इसे बातें कर रही थी ज़्यादा, और बाकी ये लोग ना कम समझ पा रही थी। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग ये ना बातें कर रहे हैं, और मतलब इतना मज़ा आता है ना फेरी वालों के पास है ना कपड़ा खरीदने में। फेरी वाला से हम लोग थोड़ा बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, बाकी मॉल वगैरह या दुकान वगैरह में तो बार्गेनिंग नहीं होता फ्रेंड, जो रेट होगा वही रेट लेगा। तो ये दो चीज़ मैंने लिया, पिलो कवर और एक कुर्ती, और बहुत अच्छा कपड़ा है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और शाम के बज रहे 5। तो फ्रेंड पता नहीं कैसा आधा अंधेरा आ रहा है, हाँ अभी सही है। तो फ्रेंड मैं बना रही हूँ चाय, ये देखिए चाय मेरी उबल रही है, और ये देखिए। तो चाय को मैं थर्मस में डाल के ले जाऊंगी ब्लॉक पर, और अभी मैं वहां जा रही हूँ फ्रेंड, और देखती हूँ क्या काम हुआ है नहीं हुआ। थोड़ा सा वहां भी जाना पड़ता है, तो आज सुबह मैं नहीं गई थी, तो मैं भी जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर वहीं बैठूंगी और वीडियो भी करूंगी वॉच सबकी, और चाय भी पीऊंगी क्योंकि चाय का समय तो हो ही गया, शाम हो गया है। तो और थर्मस में भर लेती हूँ फ्रेंड चाय, और चलती हूँ तो वहाँ है ना छत पर थोड़ा काम भी देख लेती हूँ, और बैठे बैठे चाय भी पी लेती हूँ और मोबाइल भी चला लेती हूँ। बाकी मिस्त्री लोगों के लिए वहीं पर चाय बन जाता है, कभी कभी मैं यहाँ से भी ले जाती हूँ, और कभी कभी वहाँ भी बन जाता है क्योंकि वहाँ भी हमारा किचन है। और ये देखिए मैं पहुंच गई हूं, और यहां देखिए प्लम्बर लगे हुए हैं क्योंकि यहां से टंकी हटाया गया है फ्रेंड, क्योंकि इधर दीवार हो पड़ना है तो इसलिए टंकी को हटाया गया है, इसलिए प्लम्बर को बुलाना पड़ा। क्योंकि टंकी का पानी भी चालू करना है क्योंकि रेंटर वगैरह का पानी देना पड़ता है, तो इसलिए ना टंकी को दूसरी जगह फिलहाल के लिए सेट किया गया है। और ये मैं चारों तरफ का व्यू ले रही हूँ, और ये देखिए हमारा कॉलोनी, तो हमारे घर से बस इतनी ही दूरी पर है कॉलोनी, यानी कि 2 मिनट के रास्ता पर है। तो वहीं से मैं अभी आई हूँ, और इधर देखिए सौरभ भी ट्यूशन से आ गया है, तो ये भी यहीं आ गया है क्योंकि शाम को है ना अच्छा लगता है यहाँ पे। और जब मौसम खास करके अच्छा होता है ना तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरफ पूरा हरियाली है और एक तरफ है नदी। और यहाँ से देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ, तो ये हमारा गाँव है फ्रेंड, ये जो मैंने थोड़ा सा जूम दिखाया, तो वहीं पर हमारा पास ही गाँव पड़ता है, 10 मिनट लगता है गाँव जाने में। और ये देखिए पूरा चारों तरफ कितना हरियाली है। तो मैंने जब भी मैं यहाँ आती तो थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ बाहर का भी व्यू। और ये देखिए मैं नीचे आ गई हूँ, और यहाँ है ना चौलाई के साग लगे हुए हैं थोड़े बहुत, तो मैं थोड़ा सा ना ये भी तोड़ के ले जाऊँगी, क्योंकि घर का जो साग होता है ना उसका तो टेस्ट ही कुछ और होता है फ्रेंड। तो वैसे मार्केट वाला साग तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं बैठे बैठे तोड़ सोच रही हूँ कि जब जा ही रही हूँ घर तो तोड़ लेती हूँ थोड़ा। और मैं देखिए तोड़ने बैठी हूँ, तो यहाँ से मैंने बहुत घास नज़र आ रहा था बीच बीच में, तो मैं वो उखाड़ के फेंकने लग गई, और उसके बाद है ना मैंने थोड़ा सा साग भी तोड़ा फ्रेंड। और फ्रेंड साग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं मार्केट वाला साग ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ना घर वाला जो साग होता है इसमें खाद वगैरह नहीं डालते हैं, तो ये इसका ना पत्ता भी छोटा छोटा होगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये मैं कभी कभी यहाँ से ले जाती हूँ और मैं बनाती हूँ, तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं ले जाती हूँ थोड़ा, और आज मैं बनाती हूँ। और ये देखिए, उस दिन मैंने आपको 5 बच्चों से मिलवाया था, तो आज देखिए 5 बच्चों की अम्मा से भी मिल लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, वो है ना उधर अमरूद पेड़ के नीचे रहती थी, अभी है ना ये इधर आ गई हैं, हरसिंगार का पेड़ है। और ये देखिए मैंने छोटू को बुलाया तो कैसे आ गया मेरे पास, फिर उसकी मम्मी ने इशारा किया तो वापस चले गए। पता नहीं जानवर के बच्चे भी कितने समझदार होते हैं फ्रेंड। और ये देखिए मैं घर आके साग में चुन के धो के रख चुकी हूँ,
और फ्रेंड ये इवनिंग 7 बजे का क्लिप है फ्रेंड। तो मैं सबके लिए कुछ नाश्ता बना रही हूँ और वो बिगड़ जा रहा है, यानी कि सही से बन नहीं पा रहा है, तो मेरा मूड ख़राब हो रहा है फ्रेंड। कभी कभी होता है अगर आप ना कुछ मन से बनाने जाओ और अगर वो नहीं बनता है तो मूड बहुत ख़राब होता है, तो वही हो रहा है मेरे साथ। ये देखिए फ्रेंड, मैं इस कढ़ाई में बना रही थी, लोहे वाली कढ़ाई में, लेकिन मालूम नहीं आज पता नहीं क्यों चिपक रहा है। देखिए कैसे बना, अरे देखिए चिपक जा रहा है, तो अजीब सा पुआ बन जा रहा है। ऐसे मैं पहले भी इसमें बनाई हूँ कई बार, एक दो अच्छा भी बना, लेकिन पहले फर्स्ट का दो ना चिपक के खराब हो गया। तो फिर मैंने ना ये नॉन स्टिक वाला, ये देखिए ये पैन मैंने चढ़ा दिया है, तो इसी में बना लूंगी। और मैं सोची चलो लोहे वाला, मैं सुबह मैंने थोड़ी देर पहले मखाना भूजा था तो वो चढ़ा हुआ था, मैंने सोचा उसी में बना लूं, लेकिन नहीं बना। पता नहीं आज इसमें चिपक रहा है क्यों, शायद वो कढ़ाई ना थोड़ा ज्यादा पतला हो गया है, काफी दिन पुराना है तो इस कारण से शायद वो चिपक रहा होगा, तो मैं इसी में बना लेती हूँ। फाइनली कढ़ाई चेंज करते ही पुआ अच्छा बनने लगा फ्रेंड। तो होता है कभी कभी फ्रेंड, क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि वो जो कढ़ाई है काफ़ी पतला हो गया है, तो क्योंकि ये सब जो होते हैं ना, जैसे पुआ हो गए और फिर घेवर, ये सब ना मोटे तले के कढ़ाई में ही बनता है। तो ये इसमें देखिए कितना अच्छा बन रहा है नॉन स्टिक में, और नॉन स्टिक में तो ऐसे भी फ्रेंड नहीं चिपकता है। और ये देखिए मेरा पुआ बन के रेडी हो गया है। तो अब देखिए फ्रेंड इसमें कितना अच्छा पुआ बन रहा है फ्रेंड, और वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है फ्रेंड, क्योंकि वीडियो मैंने कल से ही शुरू कर रखा था और आज मैं इसका एंड कर रही हूँ। तो वीडियो अब मैं करती हूँ एंड। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड। हाँ, कमेंट्स तो 100 से ऊपर हो जाते हैं मगर लाइक्स 80 तक भी नहीं पहुँच पाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो को फुल वॉच करें। बाय, हैव अ नाइस डे।